इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपना सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहां पर फर्स्ट ऑप्शन 101 सेविंग अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप 101 सेविंग अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वह OTP आपको यहाँ पर डालकर अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना है। ईमेल आईडी पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक नोटिस खुलकर आ जाएगा। आपको नोटिस को अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वह OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपने आधार कार्ड को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। OTP डालकर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके आधार से आपकी सारी डिटेल्स आपके सामने, आपका फ़ोटो, आपका एड्रेस, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स आपके आधार कार्ड से यहाँ पर ले ली जाएंगी। आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने एड्रेस, अपनी डिटेल्स को चेक कर लेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको यहाँ पर एड्रेस देखने को मिले। अगर आपका आपके आधार पर एड्रेस या फिर आप जहाँ इस समय निवास कर रहे हैं वो एड्रेस आपका सेम है, तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन पर टिक रहने देंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पर अदर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एड्रेस मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एड्रेस सेम है तो हम यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन पर टिक रहने देंगे एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्या व्यवसाय करते हैं। आपका जो भी व्यवसाय है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप अगर एक बिजनेसमैन हैं या फिर एक रिटायर्ड पर्सन, स्टूडेंट, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी आपका क्राइटेरिया है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर स्टूडेंट का सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर स्टूडेंट चूज़ करेंगे। स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर एनुअल इनकम सेलेक्ट कर लेनी है। आप अपने हिसाब से एनुअल इनकम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एनुअल इनकम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी, आपको बताना है कि आप यहाँ पर मैरिड हैं या सिंगल हैं। आपको अपने यहाँ पर, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल के ऑप्शन पर टिक रहने देंगे। यहाँ पर आपको मदर नेम एंटर कर देना है। मदर नेम एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेनी कि आप किस ब्रांच से अपना अकाउंट लिंक करना चाहते हैं। अगर आपके आसपास में कई सारी फिनकेयर की ब्रांचेस ओपन है तो आपको यहाँ पर सारी ब्रांचेस शो हो जाएंगी। आप जिस भी ब्रांच में अपना अकाउंट रखना चाहते हैं आप वहाँ यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सॉरी अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपको यहाँ पर आपके अकाउंट पर क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ATM कार्ड इशू किया जाएगा, आपको चेकबुक इशू की जाएगी या नहीं की जाएगी। आप यहाँ पर अपने अकाउंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। पर सिलेक्ट दिस प्रोडक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल कराई जाएंगी आप देख लेंगे। जो भी सर्विसेज होंगी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट दिस प्रोडक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सिलेक्ट दिस प्रोडक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल्स एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। अगर आप नॉमिनी डिटेल्स एंटर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हम यहाँ पर भी नॉमिनी डिटेल्स एंटर नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको यह फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन के लिए किसी के द्वारा आपको रेफरल किया गया है तो आप यहाँ पर उनका रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर इसे ऐसे ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ टर्म एंड कंडीशंस आ जाएंगी। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के पर टिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा कि योर अकाउंट ऑलमोस्ट डन। यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो चुका है सक्सेसफुली। आपके अकाउंट रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं आपके फ़ोन पर SMS के माध्यम से सेंड कर दी जाती हैं। आप वहाँ से अपना अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, CIF नंबर, IFC कोड वहाँ से अपना नोट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बाय SMS आपके अकाउंट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं आपको आपके फ़ोन पर सेंड कर दी गई हैं। आप वहाँ से अपने अकाउंट को मैनेज, आप वहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, CIF नंबर एंड IFC कोड वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। आप इनके व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, जिस पर अगर आपका अकाउंट नंबर आप भूल गए हैं, आपको आपसे डिलीट हो गया है, आपके जो मैसेज सेंड किया गया था वहाँ से आप उनकी अकाउंट डिटेल्स व्हाट्सएप के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अपनी वीडियो KYC कंप्लीट कर लेनी है। वीडियो KYC के लिए आप यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी, जैसे कि आपके कैमरे को एक्सेस करने के लिए, आपकी लोकेशन एक्सेस करने के, आपके माइक्रोफोन को एक्सेस करने के। आपको यहाँ पर सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आप अपनी वीडियो KYC यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियो KYC कंप्लीट नहीं करना चाहते तो आप इसे बाद में भी रीशेड्यूल करके अपनी वीडियो KYC बाद में कर सकते हैं। आप इस तरीके से अपना फिनकेयर में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।